खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जर्नलिस्ट है, सबसे ज्यादा चाहने वाले जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, अगर वो पाकिस्तान की जमीन पर इतने अनसेफ है तो इमेजिन कीजिए आप, मैं और बाकी 23 करोड़ आवाम जो है पाकिस्तान की, वो कितनी गैर महफूज है। फिर इनके अंदर आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर तशरीफ लेकर आए, और ये आज का एहतजाज सिर्फ स्टार्ट है, ये आज हम आगाज कर रहे हैं इस एहतजाज का, कि हर शहर के अंदर होगा, हर प्रेस क्लब के बाहर होगा, हर उस मकाम पे होगा कि जहाँ पे हमें इतनी सी होप भी होगी कि इमरान भाई के लिए और तमाम वो साफी जो इस टाइम पे जबरी तौर पर गुमशुदा है उनके लिए हमें अगर 1% होप भी होगी कि हमें वहां से इंसाफ मिल सकता है तो हम इंशाल्लाह वहां पर भी जाएंगे। आखिर में मेरी दरखास्त एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से, चीफ जस्टिस साहब अरशद शरीफ साहब वाली स्टोरी हम सबके सामने है, हम लोगों के जख्म अभी वो भरे नहीं है साफ्ती कम्युनिटी के, और साथ ही साथ इस पाकिस्तान की आवाम का वो जख्म अभी हरा है। खुदारा हमें एक मजीद जख्म से बचाइए, ये कौम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकती। सहाफी का काम सिर्फ आईना दिखाना है, इमरान रियाज खान साहब सिर्फ आईना दिखा रहे थे, उनको वो आईना दिखाने दीजिए, अपना चेहरा साफ कीजिए, अगर आपको अपना चेहरा बुरा लगता है तो चेहरा बदलिए, करतूत बदलिए, काम बदलिए, हमें मत उठाइए। एंड में फिर चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त करूंगा, खुदारा इसके ऊपर सो मोटो लीजिए, खुदारा पाकिस्तान को एक और अरशद शरीफ वाला दाग देने से पहले पहले बचा लीजिए। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं तमाम जो लोग यहाँ पर इस एहतजाज में शरीक हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पे जो डिजिटल के लोग हैं, डिजिटल की तंजीमें हैं, वो इमरान रियाज खान साहब के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं जो कि बहुत खुशाइंद है। इमरान रियाज खान जैसा कि आप जानते हैं कि वो लापता हैं, उनकी जितनी मुजम्मत की जाए गुमशुदगी की वो कम है, और हमारी जो है वो तमाम डिजिटल तंजीमों की यही दरख्वास्त है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इमरान रियाज खान साहब को जल्द अज जल्द जो है वो बाजियाब करवाया जाए, और हमें ये शदीद खतरा है कि जो हमारे साथ पहले अरशद शरीफ साहब की सूरत के अंदर जो हमें तकलीफ पहुंची, हमारे रहनुमा को, हमारे लीडर को, अरशद शरीफ साहब को जो उनके साथ हुआ, हमें खतरा है कि इमरान रियाज खान साहब के साथ वैसा ना हो। हमें ये भी इत्तला मौसूल हो रही है कि इमरान रियाज खान साहब पर तशद्दुद किया जा रहा है जो कि किसी सूरत में नामंजूर है, और हम तमाम डिजिटल के लोग जब तक इमरान भाई को बाजियाब नहीं करवाया जाएगा हम लोग इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे, इसी तरह अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, जिस तरह उनकी आवाज को बंद नहीं किया जा सकता इसी तरह हम सब लोगों की आवाज को कतन तौर पर बंद नहीं किया जा सकता, हम बोलते रहेंगे क्योंकि हमारा काम बोलना है, हमारी जुबान काट दी जाएगी हम फिर भी बोलेंगे, हम इशारों से इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, इशारों से उन लोगों की निशानदेही करेंगे जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और आखिर में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ पर आए, और आप तमाम लोग जो कि घरों पर बैठे हैं वो शदीद मुजम्मत करें इस लापतगी की, इस गुमशुदगी की, ताकि उन तमाम लोगों पर प्रेशर पड़ सके जिनके पास इमरान रियाज खान है कि वो उनको जल्द अज जल्द रिहा करें। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी हैं अहमद साहब, वो भी बात करेंगे, और मोहसिन बिलाल साहब हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हमारे से बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। जिस तरीके से इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया और अभी तक नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं और उनका गुनाह क्या था, क्या उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया, क्या अगर वो हक की और सच की बात करते हैं, अगर आपकी हुकूमत की वो तारीफ नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनको उठा लेंगे, अगर वो सच दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप उनकी आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलसल एक साल से सहाफियों के साथ जो हो रहा है ये पूरी मिसाल पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलती, पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और मियां आसिफ कसूरी को उठाया गया, इंतहा है। आसिफ कसूरी जो कि एक सहाफी है वो एक काम करता पाकिस्तान के लिए, सहाफियों के लिए आवाज बुलंद करता, उसको उठा लिया गया। अभी तक नहीं पता कि आसिफ कसूरी साहब कहाँ पे है, और यह मकबूल जान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान रियाज खान की फैमिली से पूछे उनके साथ क्या बीत रही है, उसका कसूर क्या है, और यह मकबूल जान साहब का कसूर क्या है, मियां आसिफ कसूरी का कसूर क्या है कि वो बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि अगर आप पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए जाते हैं तो अगर वो आपके खिलाफ बात करते हैं तो आप सहाफियों को उठाना शुरू कर दिया। तो आज जिस तरीके से
तंजीमें बाहर निकली हैं, नबीर रशीद साहब बाहर निकले हैं, राय साकिब साहब निकले हैं, इनकी जो तंजीम है वो बाहर निकली है, डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन बाहर निकली है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि उनको रिहा किया जाए और जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा। क्या आपको लगता है कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करने से जो डॉलर है वो नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगी उसकी प्राइस? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि गिरफ्तारियों से, आप जितनी गिरफ्तारियां साफियों कर रहे हैं, इतनी मेहनत अगर आप अपनी हुकूमत के ऊपर तवज्जो दे लें तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? तो अहमद साहब हमारे साथ बात करेंगे, वो भी आप किस बारे से आगाह करेंगे जो मामला पेश किए हाईकोर्ट में मुसलसल रिपोर्टिंग करते रहे हैं, सलमान दुरानी साहब वो भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का, आप आए हैं। इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी या जितने दोस्त हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और या मकबूल जान साहब हैं, ये बुनियादी इंसानी हकूक जो है, खुसूसन बोलने का जो हक है, ये उसकी संगीन खिलाफ वर्जी है। इस मुल्क में ये पहली दफा नहीं हो रहा, कल 13 मई था, इस मुल्क में लोगों को कोड़े लगे थे जियाउल हक के दौर में, आज इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम की एक तोहमत है, आज इस जमहूरी दौर में, इस मुंतखब हुकूमत के दौर में हुकूमत कुछ और लोग कर रहे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए कठपुतलियां कुछ और कह रही हैं। इमरान रियाज खान साहब के ऊपर जो बोलने की गैर ऐलानिया पाबंदी है वो हम देख रहे हैं कि पिछले एक डेढ़ साल से मुसलसल जारी है। वो ना तो कहीं बात कर सकते हैं, उनका प्रोग्राम कहीं पर नहीं चल सकता, वो ट्वीट करते हैं तो उनको तंग किया जाता है, और उनके नुक्ता नजर को लेकर जो लोग आगे बात करते हैं उन पर जॉब्स के दरवाजे बंद हो रहे हैं, वो इनसिक्योर है मुसलसल। पिछले एक साल से जो बंदा मौजूदा रिजीम के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ अपना नुक्ता नजर रखता है, उसके ऊपर हर तरह से पाबंदी है, उसको जॉब से भगा दो, उसकी तनख्वाहें बंद कर दो, उसके बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दो, उनको उनके इदारों को धमकाना शुरू कर दो, प्रेस क्लब जैसे इदारों को इस तरह से धमका के रखा हुआ है कि खुल के बात नहीं की जा रही। आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब को देख लें, लाहौर प्रेस क्लब को देख लें, अभी तक इमरान रियाज खान साहब जैसी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की मुजम्मत तक नहीं हो सकी है। अगर आजादी इजहार राय के ऊपर इस तरह के इदारे जिन्होंने बात करनी है, जिन्होंने आगे बढ़ना है, जिन्होंने हुकूमतों से रब्ता करना है, जिन्होंने नामालूम को लगाम डालनी है, अगर उनमें यह दमखम नहीं होगा तो फिर आजादी इजहार की ये बात, आजादी इजहार की ये तमन्ना, ये ख्वाहिश, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान में कोई बंदा बात नहीं कर सकेगा। आज इमरान रियाज खान साहब हैं, कल आप हैं, परसों आप हैं, ओरिया मकबूल जान हैं, सिद्दीक जान हैं, राय साकित खरल हैं, अनस गोंदल हैं, और हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर इस वक्त गैर ऐलानिया पाबंदी है। आपने थंबनेल बनाना है उस पर आप डरते हैं, आप बात करना चाहते हैं 8 दफा कंटेंट को आप सोचते हैं, सेल्फ सेंसर लगाते हैं आप। इस मुल्क के अंदर मैं उन तमाम लोगों से मुतालबा करता हूं जो हकीकत में हुक्मरानी कर रहे हैं, उन्हें हमारा चैलेंज है कि हम दोस्तों को खामोश करा के देखिए, हम कोई सियासी वर्कर नहीं है, सियासी जमातें नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमारी लाइकिंग हो सकती है, हम किसी लिख सकते हैं, किसी नुक्ता नजर के ऊपर बात कर सकते हैं, किसी को अच्छा लगता है कल किसी और को बुरा लगेगा, लेकिन ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा, और यह मकबूल जान का सिलसिला चलता रहेगा, इमरान रियाज खान साहब की बात चलती रहेगी, मैं और आप करेंगे इंशाल्लाह। हम कल कोर्ट में भी पेश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी 100 मुटों की दरखास्त है। इस मुल्क में समोसे के रेट पे, टमाटर के रेट पे, इस मुल्क में आम के रेट पे अगर हो सकता है तो 100 मुटो आजादी इजहार की इस बुनियादी मुतालबे के ऊपर होना चाहिए। इस्लामाबाद के दोस्तों को भी मैं यही दरखास्त करूंगा कि कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएं, लाहौर के तमाम लोग जो हैं, तमाम जर्नलिस्ट, तमाम यूट्यूबर्स, अपने आप को बिल्कुल डिफेंसिव मत समझिए। यूट्यूबर कोई हतक की बात नहीं है, ये एक नया मीडियम है, आप एक आम शख्सी मालिक से ज्यादा एक बैनुल अक़वामी इदारे की नौकरी करते हैं, आप यूट्यूब के मुलाजिम हैं, आप अपने आप को बरतर समझिए, आप किसी सहाफी से कमतर नहीं है, अपनी बात कीजिए, लिखिए, वीलॉग्स बनाइए, इस जुल्म, जबर, बर्बरियत, इस्तेदाद के खिलाफ बात करें। कल लाहौर हाईकोर्ट में आप आए, आप लोगों की मौजूदगी बहुत जरूरी है, इमरान रियाज खान के साथ खड़े होना जरूरी है,
और यह मकबूल जान के साथ खड़ा होना जरूरी है। ये हम सब की बात है, हमारे आजादी इजहार राय की बात है। जो हम सोचते हैं, जो हम लिखते हैं, जो करते हैं, उसको इस तरह से उस पर खड़े रहना एक्चुअली बहुत जरूरी है। मैं आखिर में आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस तरह के जो मेरे पीछे इदारे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी अपने कमरों से बाहर उठें, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के लोग भी बाहर उठें। ये किसी एक यूट्यूबर का मामला नहीं है, ये मुल्क में आर्टिकल 19 के खिलाफ वर्जी का मामला है। अगर ये आज किसी यूट्यूबर के ऊपर है, किसी एंकर के ऊपर है, कल किसी अखबार के ऊपर होगा, परसों किसी टीवी चैनल के ऊपर होगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला और इस तरह के माहौल में आप बाहर निकले हैं जब किसी को भी उठाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। बॉडी के मेंबर होंगे मौसम लाल साहब, वो बात करेंगे। मोहन साहब, ये जो प्रेस क्लब के बारे में